ओके, पिछला साल हेनरी कैविल की दुनिया को हिला देने वाला था, जहां कैविल के इस बैड ईयर के बहुत सारे बैडमैन थे, बट कैविल के फैंस ने मानो एक बंदे को हत्थे चढ़ा लिया, जिसका नाम था लियम हेमिसवर्थ। लियम हेमिसवर्थ एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो काफी लंबे टाइम से एक बड़े ब्रेक की तलाश में है, जहां एक बार इस प्यासे को पानी मिला ही था, बट उसके अपने खून यानी कि क्रिस हेमिसवर्थ ने थॉर का वो हथौड़ा मारकर मानो उस मटके को फोड़ दिया। बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि लियम हेमिसवर्थ ने अब तक कोई काम नहीं किया है, उनकी कुछ मूवीज देखी भी है, बट आई एम श्योर वो इतने पॉपुलर नहीं है जितना उनके भाई या फिर हेनरी कैविल है। मतलब ये भी नहीं कि वो एक खराब एक्टर है। जहां लियम ने 16 साल की उम्र से ऑडिशंस और प्लेस करना शुरू कर दिया, 2007 में ने होम एंड अवे में एक रोल भी मिला, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगे। ऑफ कोर्स बंदे की एक्टिंग अच्छी थी, इसी चक्कर में उन्हें कुछ टीवी शोज भी मिले, लाइक ट्रायंगल जैसी कुछ अच्छी पॉपुलर टीवी शोज भी, एंड इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे रोल थे जिसमें लियम हेमिसवर्थ अक्सर दिख जाते थे। यही छोटे छोटे कदम लियम हेमिसवर्थ को एक बड़े ब्रेक की तरफ लेके आए, यानी कि 2011 की हंगर गेम्स में। ये मूवी सीरीज इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि इसके फेम को सबने अच्छे से इनकैश किया, बट यहाँ एक प्रॉब्लम थी, ये मूवी एक मल्टी स्टारर मूवी थी, जिसके चक्कर में लियम कहीं दबे दबे से रह गए और वो इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाए जितना कि ये मोहतरमा हो पाई। इसके बाद भी एक अच्छे टाइम स्पेंड के बाद उन्हें अच्छे अच्छे आर्ट सिनेमाज ऑफर हुए, इन्हें आप कहीं ना कहीं एक सर्वाइवल कह सकते हो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े जंगल में। सर्वाइवल एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज भी लियम हेमिसवर्थ बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में आपको दिख जाएंगे, और कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, उन्हीं सर्वाइवल अप्रोच के कारण आज लियम हेमिसवर्थ ने अभी कुछ सबसे आइकॉनिक रोल्स में से एक विचर के लिए सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं, एंड ये लगभग कंफर्म हो चुका है कि आने वाले टाइम में यानी कि विचर के सीजन 4 में हेनरी कैविल नहीं बल्कि लियम हेमिसवर्थ दिखने वाले हैं, यानी कि वो तलवार जो अक्सर हेनरी कैविल के हाथों में झूलती थी वो अब लियम हेमिसवर्थ के हाथ में होगी। बट ऑफ कोर्स ये सफर बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हेनरी कैविल ने विचर के एक रोल को इतना ज्यादा आइकॉनिक बना दिया है कि उसे सरपास करना इतना भी आसान नहीं। बट मेरा कंसर्न बस इतना है कि लियम हेमिसवर्थ इतना भी पॉपुलर एक्टर नहीं, ना ही उस बंदे की इतनी जान पहचान है कि वो नेटफ्लिक्स से सीधा सीधा हेनरी कैविल को निकलवा के खुद रोल में फिट हो जाएगा। तो उसके पोस्ट पे जाके इतनी गालियां देना मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी फेयर है, क्योंकि आप खुद को एक बार उसकी जगह पर लाकर देखो, एक एक्टर जो स्ट्रगल कर रहा है एक बड़े ब्रेक के लिए, उसे नहीं फर्क पड़ता कि कौन पहले था और कौन आगे होने वाला है, उसे बस खुद को प्रूफ करना है। एंड आई थिंक बिना विजर के रोल में देखे हमें उसे क्रिटिसाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स हेनरी कैविल को विचर के रोल में ना देखना एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट जरूर होगा, बट ये तो डेस्टिनी है जो हमेशा चेंज होती रहेगी। वो कहते हैं ना चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, और वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है इसमें लियम की कोई गलती नहीं है। आई नो ये क्रिटिसिज्म का दौर सबके साथ आता है, एंड्रू गारफील्ड के साथ भी था, बेन एफ्लिक के साथ भी था, इवन की गोट हिमसेल्फ क्रिस्टन बेल के साथ भी था, और यहाँ तक कि हेनरी कैविल के साथ भी था जब वो इनिशियली सुपरमैन के रोल में दिखे थे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेनरी कैविल ने बहुत पैसा कमा लिया, विच मीन्स कि वो जिंदगी भर घर में बैठ के वॉर ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलते हुए अपनी जिंदगी बिता सकता है किसी और को मौका देने का। इसलिए मुझे लगता है कि हेमिसवर्थ को दबाने की बजाय हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बिना देखे इतनी जल्दी जजमेंटल हो जाना चाहिए। और अगर आप हेनरी कैविल के बहुत बड़े वाले फैन हो तो उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको लेफ्ट वाली वीडियो पे, या फिर हेनरी कैविल ने विचर को छोड़ा क्यों उसके लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, टाटा बाय बाय।